नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब अपडेट्स लेके आया है, और डेली हम लोग आपके लिए जॉब अपडेट्स लेके आते हैं। तो अगर आप किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस जॉब से रिलेटेड नहीं देखी है, तो हमारे प्लेलिस्ट से वो उनको ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों, आज के जो हमारे इस वीडियो में अपडेट रहेगा, वो कहाँ पर JEE IIT की वैकेंसी निकली है, किन किन डिवीज़नों में जो है पैरा हेल्पर और पैरा कुक की वैकेंसी निकली है, और जल शक्ति विभाग में जो मल्टीटास्क वर्कर, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। इसके साथ जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की 8 पोस्टें निकली हैं, कि वो किस विभाग में निकली है, उसकी कंप्लीट चर्चा जो है हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली नोटिफिकेशन के साथ। पहली नोटिफिकेशन जो आज की है हमारी दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की तरफ से जारी की गई है। 13 सितंबर का ये नोटिस रहेगा, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न कुल्लू की तरफ से जो है इंटरव्यू की तिथि जारी की गई है। और ये जो इंटरव्यू होगी, वो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्करों के लिए रखी गई है। 22 से लेकर 30 सितंबर तक की इनकी इंटरव्यू होगी। पंप ऑपरेटरों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था जल शक्ति डिवीज़न कुल्लू के अंतर्गत, तो वो ए से लेके एल तक के कैंडिडेट जो है इनकी इंटरव्यू जो है 22 सितंबर को होगी। एम से लेके जी तक के लिए, यानी कि जेड तक के लिए जो कैंडिडेट होगी पंप ऑपरेटर के, उनकी 23 सितंबर को जो है इंटरव्यू होगी। उसके बाद जो है फिर पैरा फिटर की इंटरव्यू इनकी तरफ से ली जाएगी। पैरा फिटर में भी जो ए से एल तक के कैंडिडेट होंगे, जिनका नाम ए से लेके एल तक शुरू होता हो, तो उनकी जो इंटरव्यू है वो 24 सितंबर से शुरू की जाएगी, और एम से जेड तक के कैंडिडेटों की 26 सितंबर को होगी। इस प्रकार से ही मल्टीपर्पज़ की जो इंटरव्यू की तिथियां रखी गई हैं, वो 26 से लेकर 30 तक रखी गई है। तो ये आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो ये आपको जो है अपने साथ एक डेट ऑफ प्रूफ अपन का, अपनी एज का लेके जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जो कि आपका मैट्रिक का भी चल पड़ेगा, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएं। दूसरा जो आपको सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना होगा, अगर आप बीपीएल कैंडिडेट्स हैं, बीपीएल पोस्ट से अप्लाई किया, तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएं। एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेके जाएं, यानी कि अगर आप पैरा फिटर या पैरा पंप ऑपरेटर के लिए आपने अप्लाई किया, तो ITI का सर्टिफिकेट भी लेके जाएं। हिमाचली बोनोफाइड आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लेके जाएं, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाएं अपना, जो कम से कम 1 साल के अंदर आपका बनाया हुआ हो, 1 साल से पुराना ना हो। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, IPH, HPPWD, CPW, PSU या किसी जल शक्ति विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम करने का, तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको इन तिथियों पे लेके जाने होंगे। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। अगला अपडेट जो है वो जल शक्ति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुन्नी की तरफ से जारी किया गया है। सुन्नी में भी जो है दोस्तों, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज़ वर्कर की जो इंटरव्यू की तिथियाँ हैं, वो घोषित कर दी गई है। पैरा पंप ऑपरेटर जो है ए से जेड तक के सभी कैंडिडेट 22 सितंबर को इंटरव्यू में उपस्थिति होंगे। पैरा फिटर जो है वो 23 तारीख को इनकी इंटरव्यू होगी, और मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है, सॉरी जो इंटरव्यू है, वो 24 से लेके 27 सितंबर तक चलेगी। तो ये जो सारी की सारी इंटरव्यू की तिथियां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी PDF आप हमारी वेबसाइट www.him-india.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो हमारा जॉब अपडेट रहेगा दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग की तरफ से ही पैरा कुक और पैरा हेल्पर्स की जो है रिक्रूटमेंट जारी की गई है, उससे रिलेटेड रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि इसको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो 28 सितंबर रहेगी। मोड जो रहेगा अप्लाई करने का, वो ऑफलाइन रहेगा। या तो आप 28 सितंबर तक या 28 सितंबर से पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जल शक्ति डिवीज़न थुरल की तरफ से निकालेगी एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, तो वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और इसको फिल करके डॉक्यूमेंट, अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके सबमिट कराना होगा। तो इसको या तो आप बाय हैंड वर्किंग डे में, या फिर बाय पोस्ट इसको भेज सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ चलते हैं। पैरा कुक की इसमें एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको सैलरी जो है 9,000 रुपया पर मंथ दी जाएगी। वर्किंग आवर्स जो रहेंगे आपके डेली, वो 6 आवर्स रहेंगे। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो आपके पास मेट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है, वो पैरा हेल्पर की रहेगी। पैरा हेल्पर की नंबर ऑफ पोस्टें 2 रहेगी, 5,500 रुपया इसको आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ, 6 आवर आपके वर्किंग आवर्स रहेंगे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो मैट्रिक पास ही रखी गई है।
इसमें किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या आईटीआई नहीं मांगी गई है, तो कोई भी मैट्रिक पास व्यक्ति जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 45 वर्ष के बीच में रहेगी। और ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इनको किसी भी जल शक्ति विभाग के अंडर रेस्ट हाउस या किसान भवन या इंस्पेक्शन हट कहीं भी इनकी जो ड्यूटी है वो लगाई जा सकती है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इनका रहेगा दोस्तों, तो वो 10 नंबर की मेरिट बनेगी, जिसमें कि 5 नंबर जो है इनके परसेंटेज के होंगे जो इनकी मैट्रिक की होगी। उसके बाद अगर बीपीएल है तो 1 मार्क्स उसका लगेगा, नहीं है तो वो नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस है इनको कंसर्न फील्ड में तो 2 मार्क्स लगेंगे, नहीं है तो नहीं लगेंगे। और इसके साथ स्किल टेस्ट होगा इनका एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उसके भी 2 मार्क्स इसमें रखे गए हैं। तो किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए जो आप इनके नंबर 1 इनका जो टेलीफोन नंबर है 01894, यानी कि 01894276715, इस पे जो है इनको किसी भी वर्किंग आवर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके साथ आपने अपना एज का सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद बीपीएल अगर है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है, बोनोफाइड लगाना है, और एक अपने अपना आधार कार्ड और परमानेंट एड्रेस का भी सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। साथ में पासपोर्ट साइज फुली ड्यूली टेस्टेड फोटोग्राफ भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अटेस्टेड करनी है। अपना आधार कार्ड जरूर लगाया इसमें, क्योंकि इसमें जो ये वैकेंसी निकाली गई है ये कंसर्न जो है जल शक्ति डिवीजन की तरफ से ही निकाली गई है, यानी कि इसमें जो है जल शक्ति सर्कल जो भवामा के अंतर्गत रेजिडेंस वाले लोग आते हैं सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इनके जल शक्ति विभाग से ही मिल सकता है। दूसरी जो पोस्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की 8 पोस्टें निकली हैं। क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की ये पोस्टें हैं। 5000 ग्रेड पे तक का इनके लिए स्केल रखा गया है। इसके जो लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन में, और साथ में आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा हो स्पोर्ट्स अथॉरिटी से जो आपने किया हो किसी भी गेम में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, तो साथ में, या फिर आपके पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, या फिर आपने ओलंपिक्स में मेडल जीता हो या एशियन में या साउथ गेम्स में, और इसके बाद या तो आपके पास 9 मंथ्स का डिस्टेंस ट्रेनिंग कोर्स स्पॉन्सर किया हो जो कॉमनवेल्थ गेम की तरफ से वो हो। तो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया है आपके पास इसके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 8 पोस्टों के लिए ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर रखी गई है, लेकिन ये जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है ये सेकेंडमेंट बेसिस पे यूज़ की गई है। तो सेकेंडमेंट बेसिस का मतलब है कि ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट विभागों में जो है अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है आप देख सकते हैं कि इंटरेस्टेड ऑफिशियल और ऑफिशियल्स लिखा हुआ है इन्होंने कि, और लास्ट उनको जो है अपनी 3 आर की ACR भी सबमिट करवानी होगी। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैकेंसी रहेगी, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों वो जल शक्ति डिवीज़न काजा की तरफ से जारी किया गया है। इसमें भी जो है पैरा कुक और पैरा हेल्पर की वैकेंसी निकाली गई है। पैरा कुक की 4 पोस्टें, पैरा हेल्पर की 5 पोस्टें। सैलरी 9000 और 5500 रुपया दी जाएगी। 6 आर इनके वर्किंग रहेगी। कंडीशन सेम रहेगी पैरा कुक के लिए, मैट्रिक पास हो, साथ में 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए फूड क्राफ्ट का। पैरा हेल्पर के पास सिर्फ मैट्रिक पास ही होने चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है ऑफलाइन ही रहेगा। 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, और परमानेंट रेजिडेंस होना पड़ेगा आपको जो है जल शक्ति सर्कल लाहौल स्पीति का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फॉर्म की बात करें तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म एक इनकी तरफ से बनाया गया है। इसको आप खुद भी MS वर्ड पे जो है टाइप कर लेंगे। MS वर्ड पे टाइप करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और पीछे जो जल शक्ति डिवीज़न भवामा की भी पोस्टर निकली थी वो भी सेम ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म एक खुद से तैयार करके भी आप फिल करके इनको भेज सकते हैं। तो इसके साथ अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं। और जो काजा की अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 26 सितंबर रहने वाली है। इसके बाद अगर किसी के एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लास्ट अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट अपडेट जो है हमारी JOIT की रहेगी, जो कि जल शक्ति विभाग की तरफ से ही भरी जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें वीडियो में क्लैरिटी नहीं दिख रही हो, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जो है www.him-india.com से इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इनको क्लियरली रीड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं जो IIT की जो दो पोस्टें निकली हैं जल शक्ति विभाग में, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 रखी गई है। +2 पास व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट जो है आपका 30 वर्ड्स का होगा इंग्लिश में और 25 वर्ड्स का होगा हिंदी में, दोनों में से आपको कोई भी एक पास करना होगा। अब इसमें बात करेंगे तो दो पोस्टें जो हैं दोस्तों, एक जनरल ओपन के लिए, एक जनरल रखी गई है ब्लाइंडनेस के लिए, और एक पोस्ट रखी गई है इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए, यानी कि ये दो के दो पोस्टें जो है वो रिजर्व कर दी गई है हैंडीकैप पोस्टों के लिए। इसमें जो जनरल आम कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो इनको सैलरी है वो 12,360 रुपये दी जाएगी। पोस्टिंग इनकी हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हो सकती है। डेट ऑफ इंटरव्यू अभी फिक्स नहीं की गई है, तो इनको जो है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू की तरफ से ही भरा जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू की तिथि जो है बहुत ही जल्द फिक्स कर दी जाएगी। तो जो भी ये कैंडिडेट होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वो वॉक इन इंटरव्यू में अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक सेट की कॉपी लेके आएंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू की तिथि वाले दिन अपनी इंटरव्यू में अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं और वहीं से उनकी सिलेक्शन होगी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के जॉब अपडेट। अगर ऐसे ही आपको जॉब अपडेट डेली के डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।